एक बात बताइए, पान बनाने से पहले वोट दिए? हाँ वोट दे दिए हैं भैया। सम्मान योजना वाला सब जो हो रहा है सब ठीक है? ठीक है, सब सबको मिल रहा है। जोहार दादा। जोहार। पकौड़ी खा रहे हैं? हाँ। हमको भी दीजिए ना, एक दीजिए। कैसा? ठीक है। ठीक है, वोट दे दिए? दे दिए। वृद्धा पेंशन मिल रहा है? कितना मिल रहा है? महीना में। क्या मुद्दा को लेके बोल? विकास होगा यहाँ, हो रहा है ना? क्षेत्र में जो शिक्षा व्यवस्था है ये सबको मतलब और बढ़ावा दिया जाए। वोट दे दिए? वोट दे दिए। हाँ दे दिए। कहाँ दिखाइए अंगुली। विकास का काम हो रहा है। देखिए, हम जिस स्थान पर मौजूद है, ये स्थान जो है ये बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र का स्थान है। ये उगरा पंचायत है, सेन्हा है। यहाँ के जो जागरूक मतदाता है, यहाँ पर अधिकतर जो हम देखना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर आदिवासी जो समुदाय के जो वोटर हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर मौजूद है। तो ये बताइए कि आपने वोट दे दिया? वोट दिया आपने? दे दिए हैं। दिखाइए अंगुली, क्या नाम है आपका? अनिल उराम। अरुण जी, हाँ दिखाइए अंगुली, दिखाइए। तो हो गया अभी। अच्छा ठीक है, वोट दिए ना? हाँ। क्या लगता है, ठीक ठाक हुआ है वोट वोट? सब ठीक ठाक लग रहा है। हाँ। सुबह कितना बजे निकले थे? सुबह तो नहीं गए थे, घर वाला को छोड़ दिए थे सुबह में। अच्छा, सुबह में घर वाला छोड़े थे। हाँ। अच्छा देखिए, लोग वोट दे दिए हैं और अपने अपने कामों में जो है मशगूल हो चुके हैं। यहाँ एक छोटा सा एक होटल बना हुआ है, यहाँ पर लोग आकर खाना क्या खाने आए भैया? कहा गुलगुला खा रहे हैं अभी। गुलगुला? हाँ। खाना वाना नहीं खाए थे क्या घर से? खाना वाना खाए हैं तो सुबह में खाए थे अभी। वोट दे दिए? हाँ वोट तो मार दिए। क्या लगता है कि यहाँ के क्षेत्र का विकास विकास क्या मुद्दा को लेके वोट दिए? विकास तो होगा यहाँ, हो रहा है ना? अच्छा, क्या सोच करके वोट देने घर से निकले थे पहले बताइए? सोच तो ये है कि जो रोड वोड है, नाला वाला, जैसे पानी पीने के लिए दिक्कत होता है हम लोग गांव में, पानी का व्यवस्था हो जाए, सिंचाई उचाई हो जाए, रोड वोड अच्छा से बन जाए। तो लगभग ठीक ठाक काम हुआ है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा काम हुआ है। देखिए, वोटर हैं, अपने अपनी बातों को रखने हैं, और जिस तरह से बता रहे हैं कि मतलब अच्छा सा काम हुआ है, और अच्छा काम से ही पहचान में आता है कि लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए आते हैं। मतदान कर दिए आप? हाँ कर दिए। एक युवा है, कहाँ तक पढ़े? ग्रेजुएट। ग्रेजुएट हैं? हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? बिमल उराम। बिमल जी, बिमल जी बताइए कि आपने वोट किया जी, जब आप घर से निकले? हाँ। एक युवा है, क्योंकि आप जो है आपको पैरों पे आप खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, जब घर से आप निकले, तो घर से निकलने के बाद आप क्या सोच करके जो है वोट करने के लिए निकले? क्या कुछ ऐसे मुद्दे लेकर निकले होंगे? यही कि हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा व्यवस्था है ये सबको मतलब और बढ़ावा दिया जाए। बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ठीक है। विकास की जो यहाँ पर है, ठीक ठाक हुआ? विकास तो हुआ है, लेकिन जितना उम्मीद किया गया उतना नहीं। अच्छा, जितना उम्मीद किया गया वो अगले 5 सालों में पूरा हो सकेगी, ऐसे उम्मीद में है आप? हाँ हाँ, है ना। तो क्या लगता है कि मतलब इस बार जो हेमंत सरकार है जो मौजूदा, वो कैसा काम किए? वो भी किए लेकिन उम्मीद के अनुसार नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। तो बहुत सा काम किए हैं, मैया योजना, हाँ, ऋण माफ़ी, फिर आपका बिजली माफ़ी, ये भी तो हुआ ना? हाँ हुआ हुआ ना। हाँ तो ठीक है, हम तो ये पूछेंगे नहीं किसको वोट दिए हैं। हाँ। लेकिन आपका वोट बहुमूल्य है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील मुंडा है। सुनील जी, ये बताइए कि वोट दे दिए? दे दिए सर। और आगे क्या उम्मीद आप सरकार से लगाते हैं? मान लिया कि आने वाली सरकार कुछ भी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो या भाजपा की हो, जो भी हो, उस सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीद है आपको, क्या कुछ बेहतर होना चाहिए? उनसे यही निवेदन करते हैं ना कि गांव घर में सब चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए, चापाकल हो गया ये सब चीज की व्यवस्था होना चाहिए, सड़क हो गया ये सब की व्यवस्था होना चाहिए, आंगनबाड़ी हो गया ये सब में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। स्थानीय जो विधायक हैं चमरा लिंडा जी, उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ है। काम वो किए?
किए जी। चलिए तो आपको वोट देने के लिए जो है हमारी टीम आपको बहुत बधाई देती है, ठीक है ना। घरों से कितना सुबह निकले थे? सुबह निकल के जो है युवाओं ने वोट किया है। ये आदिवासी वोटर है, आदिवासी वोटर जो है बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है। क्यों आप गाड़ी में बैठ जा रहे हैं भैया? अच्छा बोल दिए हैं। अच्छा दादा जोहार। कैसे है? ठीक है। क्या नाम है? हमारा पहान है, रेबो पहान है। रेबो पहान। अच्छा हाँ पहान है। पहान है हाँ। अच्छा पूजा पाठ करवाते हैं? हाँ हाँ। तब तो आप बहुत बड़े पंडित जी हो गए। आ गया मतलब अथी आ गया जमीन कर उसे फना निकल गया, पानी बेहतर नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा ये बोलिए नहीं बोले वोट दे दिए? वोट दे दिए हाँ दे दिए। कहाँ दिखाइए अंगुली? अंगुली वोट हमको पुलिस का मत लीजिए ऐसे हम दे दिए। वोट दे के आए हैं कि? हाँ दे दिए। दिखिए हमारा सामान देखिए। हाँ, दिखाइए पुलिस से जाइए मारिए जाइए कहा पुलिस है ना सामने भाई। दिखिए वोट दे दिए ना? हाँ दे दिए। हाँ क्या लगता है कि ठीक ठाक है? ठीक है मतलब विकास क्षेत्र में ठीक ठाक हुआ काम? ठीक पेंशन हो रहा है। पेंशन मिलता है? पेंशन हमारा बोलिए विकास मतलब पानी जो आ रहा है ना तो विकास नहीं हो रहा है वो। अच्छा हाँ मतलब उम्मीद में है कि मतलब और काम होगा ना? हाँ है ना। हाँ विकास होना चाहिए। जोहार दादा। जोहार। पकौड़ी खा रहे हैं? हमको भी दीजिए ना। ठीक एक दीजिए। कैसा है? ठीक है। ठीक है वोट दे दिए? दे दिए। क्या लगता है आप बहुत कितना साल से वोट दे रहे हैं? अभी तो हमारा उम्र तो अब वोट तो कई एक बार हुआ लेकिन अभी 75 चल रहा है। 75 साल चल रहा है और बहुत सालों से कर रहे हैं वोट। अच्छा दादा एक बात बताइए कि इतना सालों में बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में कैसा काम हुआ? काम तो देखिए बिशुनपुर क्षेत्र में उतना तो नहीं हुआ लेकिन हल्का फुल्का हुआ। अब इधर आप क्या होगा उसको क्या कहेंगे। अच्छा काम हुआ है ना? हाँ हुआ है कुछ ऐसा नहीं हुआ है सो बात नहीं मिला है कुछ इंद्रावास मिला है रोड थोड़ा बहुत बना कच्चा उस समय था ऐसा पक्की नहीं बना था। सुबह कितना बजे निकले थे घर से वोट देने? हम 10 बजे गए थे। उंगली दिखाइए उंगली देखिए। अच्छा देखिए उंगली दिखा रहे हैं वोट दे दिए हैं है ना। बुजुर्ग है लेकिन वोट दे दिए हैं। क्या सोच करके निकले थे घर से? क्या सोच कर निकले थे वोट देते समय वहाँ पर क्या सोचे थे मन में क्या चल रहा था? मन में क्या सोचे कि भाई जो जीतेंगे वो जिसको वोट दिए जीतेंगे तो आगे कुछ करेंगे चाहे विकास करेंगे। अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए बुजुर्ग हैं इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जिनको भी वे वोट दिए हैं ये उम्मीद में है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। जोहार। हाँ दे दिए वोट? हाँ दे दिए। वाह कैसा लगा है? कितना साल से वोट दे रहे हैं? डेढ़ दिन से। क्षेत्र में विकास हुआ है? अच्छा ठीक ठाक लग रहा है? ठीक है लागत है सब। अच्छा सब मिल रहा है? वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ। कितना मिल रहा है? एक महीना में 1000। 1000। हाँ राशन कार्ड है? हाँ ठीक है। देखिए वोट दे दी हैं और क्षेत्र का जो है बात भी कर रही हैं। देखिए यहाँ पर जो है पान बन रहा है। कैसे पान है? ये ज़्यादा मीठा दोनों आइटम बनता है यहाँ। हाँ अच्छा तो यहाँ पर कितने कैसे लोग आते हैं? ज़्यादा ज़्यादा खाते हैं कि मीठा? मीठा ज़्यादा दोनों बराबर है। हाँ मीठा वाले ज़्यादा है। देखिए पान के दुकान पर हम यहाँ मौजूद है और यहाँ पर हम दृश्य दिखाना चाहेंगे। ऐसे तो हम पान हम नहीं खाते हैं लेकिन हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि पान तो बन गया। एक बात बताइए पान बनाने से पहले वोट दिए? हाँ वोट दे दिए हैं। हाँ हाँ अच्छा दिखाइए। हाँ अंगुली आपका नाम क्या है? श्रवण हो रहा हूँ। देखिए
ऐसे दिखाई देखिए, वोट दे के जो है उसके बाद पान की दुकान में यहाँ बैठ गए हैं, ये बड़ी बात है। क्या सोच करके जो है घर से निकले हैं वोट देने? वोट तो अपना क्षेत्र का विकास के ही लेके सोच निकले हैं। अच्छा, क्षेत्र का विकास के लिए? हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि क्षेत्र का विकास जो है ठीक ठाक है? ठीक ठाक तो है, लेकिन फिर कुछ सुधार लाना पड़ेगा इसके चलते। सुधार लाना पड़े? हाँ ठीक है, हुआ है ना? हाँ। अच्छा, देखिए सुधार लाना पड़ेगा, जिस तरह से लोग कह रहे हैं ये पान का दुकान पर जो है मौजूद है। वोट दे के आ गए भैया? वोट दे के आ गए, उसके बाद पान खा रहे? नहीं, पान तो खा रहे हैं। देखिए पान खा रहे हैं, पहले वोट दिए कि फिर पान? पहले वोट दिए। अच्छा, खाना खा लिए? खाना खा लिए। पहले जलपान उसके बाद वोट? नहीं नहीं, पहले वोट दिए उसके बाद में खाना वाना खा के आए हैं। अरे एकदम कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। बताइए कि लोकतंत्र के पर्व में जो है आप लोग शामिल हैं, वोट दे दिए हैं, क्या लगता है कि जो क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए, इस विकास के पैमाने पर ये गांव कौन सा गांव है? ये है उगरा मेढ़ो। उगरा मेढ़ो, ये मेढ़ो है और आगे सेन्हा, सेन्हा प्रखंड, सेन्हा प्रखंड है। अच्छा, विकास ठीक है? विकास का काम हो रहा है। हो रहा है ना? क्या लगता है कि जो जो पाँच साल का जो आपने देखा सरकार के काम और स्थानीय विधायक, उनसे मतलब लगता है कि हाँ ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, और कुछ बढ़ा चढ़ा कर और भी करना चाहिए, और अभी तो ठीक कर रहा है, अभी ठीक कर रहा है। घर परिवार में सारे लोग दे दिए? सब दे दिए। सब दे दिए। जेके जागरूक मतदाता है और यहाँ पर वोट दे के निकले हैं। बाबा जोहार, जोहार, हाँ, क्या कहेंगे? कहिए क्या लगता है, वोट दे, वोट दिए, क्या नाम आपका? एमपी सिंह। अच्छा, यहाँ पर मतलब आप जनरल से हुए, तो क्या लगता है कि ये जो ये क्षेत्र जो है यहाँ पर विकास हुआ है? विकास होगा, हो रहा है। क्या क्या काम हुआ है? अभी तो कुछ काम नहीं हुआ है, कहाँ काम, देखिए रोड हमारा को देखा दिशा की दिशा है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात है इधर का रोड भी खराब है, आने जाने दिक्कत है, इधर बड़ा बड़ा पत्थर निकल है। अच्छा, क्या सोचकर जो है वोट देने निकले थे? विकास का काम होगा कह के। अच्छा, विकास का काम, शिक्षा, रोजगार, सड़क, नाली, हाँ सभी का लेके। हाँ, लग रहा है कि काम हुआ? अब तो डिपार्टमेंट लोग करे नहीं करे अलग बात है, हमारा जो फर्ज हम किए। अच्छा, वर्तमान सरकार ठीक काम कर रही? हाँ, करे। हाँ, सम्मान योजना वाला सब जो हो रहा है सब ठीक है? ठीक है, सब सबको मिल रहा है। देखिए पकौड़ी बहुत टेस्टी है और जो पान भी हमने खाया वो भी टेस्टी है। जो बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है हम रियलिटी देख रहे थे और हम ये हम महसूस किए कि जो बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता है काफ़ी जागरूक है, वो सुबह से ही वो बूथ पर गए और अपना मताधिकार का प्रयोग किया, ये एक बड़ी बात है। और जिस तरह से क्षेत्र का विकास की ये बात करें तो क्षेत्र का विकास भी जो है इन्होंने कहा कि हुआ है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में जो अन्य मतदाताओं के अलावा जो है ग्रामीण जो मतदाता है वो काफ़ी जागरूक है और ख़ासकर यहाँ बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी वोटर ज़्यादा संख्या में है, तो आदिवासी से भी हमने बात किया और ये जानने का प्रयास किया कि किस तरह से वो क्या मुद्दे को लेकर जो है वोट किए हैं, क्या सोच कर वोट किए हैं, शिक्षा हो, रोज़गार हो, स्थानीय मुद्दे हो या कई मुद्दे जो यहाँ पर जो पनपते जा रहे हैं उस मुद्दे को लेकर वो वोट किए हैं। तो इस तरह से जो है हमने ये ग्राउंड रिलेटिव चेक करने की ये कोशिश की। तो बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के ये सेना पंचायत से मैं मोहन कुमार, जीएन भारत के लिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।